प्रदेश को लेकर एआईसीसी में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, अजय माकन के साथ गोविंद सिंह डोटासरा की ये बैठक रही। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर इस दौरान दोनों के बीच चर्चा हुई। तो देखिए महत्वपूर्ण ये बैठक क्योंकि राजस्थान का विधानसभा चुनाव यहाँ पर बैठक में एक मुद्दा रहा जिस पर चर्चा की गई। अजय माकन के साथ गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ है राजस्थान से, उन्होंने एआईसीसी में ये महत्वपूर्ण बातचीत की। इस बैठक के जरिए राजस्थान के विधानसभा चुनाव में क्या बातें हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है और इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, अब आपको वो सुना। कल मैं आदरणीय खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उनको बधाई देने के लिए मैं आया था और कल खड़गे साहब को हमने बधाई दी। और आज चूंकि मुझे रुकना था इसलिए मैंने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अजय माकन जी से मुलाकात की है, पवन बंसल जी से मुलाकात की है और मधुसूदन मिस्त्री जी से मैंने मुलाकात की है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ज़रूरी भी है, जब हम दिल्ली आते हैं तो तमाम वो लोग जो एआईसीसी में हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उनसे हम मार्गदर्शन संगठन का लेने के लिए मिलते रहते हैं और उसी के हिसाब से दीपावली के पहले दीपावली की भी बधाई और शुभकामनाएँ लेनी थी, देनी थी, तो सारी बातें थी। इस वजह से मैं यहाँ आया और अच्छी मुलाकात हुई है मधुसूदन मिस्त्री जी से भी, पवन बंसल जी से भी और हमारे अजय माकन साहब से। सर, क्या अब संगठन जो बचा हुआ है राजस्थान में जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय जो कमेटी वो घोषित हो जाएगी जब? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर 26 तारीख को आदरणीय खड़गे साहब ज्वाइन करेंगे, मैं पुणे दिल्ली आऊँगा और मैं ही नहीं काफ़ी नेता आएंगे क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब बने हैं और निश्चित रूप से उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से हम लोगों को काम करना है। तो उसके बाद में हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारी नई पीसीसी का गठन होना है, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बनने हैं, डिपार्टमेंट प्रकोष्ठ जितने हैं उनकी नियुक्तियाँ होनी हैं, मंडल के लिए हमने जो उदयपुर डिक्लेरेशन में निर्णय लिया था तो मंडल भी 2200 के लगभग हमारे राजस्थान में बनने हैं तो उनकी घोषणा होनी है।